यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। लगातार 16 दिन तक बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम को तेल की कीमत कम करने का चैलेंज भी दे चुकी है और इसी कड़ी में केरल के सीएम ने केरल में 1 रुपये कीमत कम करके पीएम को चैलेंज किया है। जी हां, आम आदमी जहां बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान नजर आ रही है, वहीं दाम में महज 1 पैसे की कटौती से देश भर में बहस छिड़ी हुई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर से ये दोहराया कि पेट्रोल डीजल पर लगाम लगाने के लिए स्थायी समाधान के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनाई जा रही है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना भी इन उपायों में शामिल है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के सवाल पर जवाब देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली शहर के अलावा मुंबई में पेट्रोल के सोमवार को क्या रेट थे और इनमें कितना इजाफा 14 से 28 मई तक हुआ। दिल्ली की बात करें तो सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपए 27 पैसे में बिका और वहीं 14 से 28 मई तक इसमें 3 रुपए 64 पैसे का इजाफा देखने को मिला। मुंबई की बात करें तो ये रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुंबई में 86 रुपए 8 पैसे के रेट पर पेट्रोल बिका है और वहीं 14 से 28 मई तक इसमें 3 रुपए 60 पैसे इजाफा हुआ और इसी तरह 15 दिन में डीजल में 3 रुपए 47 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सोमवार को डीजल 69 रुपए 17 पैसे में बिका और वहीं 14 से 28 मई तक 1 लीटर पेट्रोल में 3 रुपए 24 पैसे का इजाफा हुआ और वहीं मुंबई में 73 रुपए 64 पैसे पर 1 लीटर डीजल बिका, तो वहीं 3 रुपए 44 पैसे का इजाफा 14 से 28 मई के बीच देखने को मिला। अब आप ये भी समझिए कि 78 रुपए 27 पैसे लीटर पेट्रोल में 40.14% टैक्स कैसे शामिल हो जाता है। तो डीलर का प्राइस होता है 38 रुपए 51 पैसे, एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाती है 19 रुपए 48 पैसे जो कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी ली जाती है। इसमें डीलर का कमीशन 3 रुपए 64 पैसे शामिल है। वहीं वैट 16 रुपए 64 पैसे होता है जो कि राज्य सरकार लगाती है। अब कुल मिलाकर दिल्ली रेट पर अगर देखें तो ये पेट्रोल का जो प्राइस है वो 78 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो जाता है और इसी तरह 69 रुपए 17 पैसे लीटर डीजल में 36.86% टैक्स शामिल होता है। इसमें डीलर प्राइस 41 रुपए 14 पैसे होता है, एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए 33 पैसे लगाई जाती है, डीलर कमीशन 2 रुपए 53 पैसे होता है, तो वहीं वैट इसमें 10 रुपए 17 पैसे का लगाया जाता है। अब कुल मिलाकर डीजल का प्राइस दिल्ली रेट के हिसाब से 69 रुपए 17 पैसे होता है। अब इस तेल के खेल को समझ पाना सभी के लिए आसान हो गया है और ये बखूबी सरकार भी जानती है। अब दबाव सरकार पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार तेल कंपनियों पर दबाव बनाकर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करवा पाएगी या फिर क्रूड ऑयल के कम होने का इंतजार सरकार को और भी करना है। टीम खबरें अभी तक।